हे हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? माय नेम इज ऑगी एंड यू वाचिंग मी। ए यार, आज तो काफी ज्यादा लेट हो चुका है। अरे ये क्या, ये मिरर में मेरा फेस क्यों नहीं दिख रहा यार? आखिरकार ये मिरर में क्या लोचा हो गया? अरे बाप रे, ये मिरर है कि हॉरर मिरर? ए गाइस यार, मिरर में ग्लिच हो गया क्या? मेरा चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है? पता नहीं क्या हुआ। लेकिन यार यहाँ पे तो धूप निकल गई कड़क, और लगता है मैं लेट हो चुका हूँ यार। ये भैया और सिंचन ने मुझे आज उठाया नहीं और अपने आप ही निकल गए। ए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम लोगों ने एक ट्यूशन, यार बोल सकते हो ट्यूशन ज्वाइन करा है, जिसमें फ्री खाना मिलता है। हाँ दोस्तों, सही कहा, उसमें हमें फ्री खाना मिलता है। और यार ये बढ़िया ट्यूशन है वैसे, जिसमें खाने के चक्कर से भैया और सिंचन मुझे उठाने ही भूल गए और निकल गए अपने आप ही। ए दोस्तों, आज ट्यूशन का पहला दिन है और मैं नहीं चाहता कि मैं और भी ज्यादा लेट हूं। पहले ही मैं लेट हो गया, और ये क्या, ये दोनों ट्रक भी ले गए। ओ नो गाइस, यार मेरे पास तो ये मेरी ब्रांड न्यू साइकिल है जिससे मैं जॉगिंग करता हूँ, लेकिन गाइस आज तो मुझे इसी से जाना पड़ेगा। ए बैग मेरा भैया ने पहली बार रख दिया था, ये भैया ने अच्छा काम किया, लेकिन मुझे उठा देते तो उससे भी अच्छा काम कर देते ना। ए दोस्तों, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन इस साइकिल में बहुत ही ज्यादा स्पीड है, देख रहे हो इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है, ये हुई ना बात। ए दोस्तों, ये रेसिंग वाली साइकिल है और वाकई में काफी ज्यादा इसकी स्पीड है। वैसे बाइक क्या है, बाइक की जितनी स्पीड होती है ना, उसकी हाफ स्पीड इस साइकिल की है। तो मैं जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंच जाऊंगा। वैसे गाइस, मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका हूँ, कहीं ना कहीं यार उसे पता चले यहाँ पे ट्यूशन में सारे के सारे बच्चे ना पहुंच जाए। ए दोस्तों, मुझे कैसे भी करके जाना है। ये भैया और सिंचन ने मुझे उठाया नहीं यार, ये तो बहुत मतलब बहुत बुरा करा मेरे साथ में। ए भुक्कड़ कहीं के दोनों हो गए। गाइस मैं जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहूंगा, कहीं बैच फुल ना हो जाए। गाइस ट्यूशन का बैच फुल हो गया तो मेरे को सीट भी नहीं मिलेगी, और यार मैंने फीस की और रजिस्ट्रेशन फीस पहले से सबमिट करा दी थी। ए दोस्तों, चलो 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 यार, मैं पहुँचने वाला हूँ बस स्कूल के पास में। ए ये आ गया मैं स्कूल पे। वाकई में यार अपनी साइकिल की स्पीड काफी ज्यादा दमदार थी, जिसके बाद गाइस मैं कितना जल्दी आ गया। ए ये हट जाओ मेरे आगे से। ए दोस्तों, फाइनली मैं स्कूल पे पहुंच चुका हूँ, और यहाँ पे लगता है मुझे क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है क्या? ओए मुन्ना, अब तू आ रहा है? अरे यार भैया, तुमने उठाया नहीं तो मैं क्या करूँ। ए गुड मॉर्निंग ग्रैनी टीचर। अरे यार ये क्या, यहाँ पे तो सारे के सारे बेंच फुल है, मैं कहाँ बैठूं? ग्रैनी टीचर, वैसे तुमने फीस दे दी है क्या? अरे हाँ, मैंने फीस ऑनलाइन भर दी थी, रजिस्ट्रेशन फीस जो भी थी। ए मैं कहाँ बैठूं, किसके सर पे बैठूं? यार तुम्हें पता नहीं क्या, बेंच फुल होने के बाद कोई भी नहीं आ सकता क्लास में। अरे यार मैं थोड़ा सा लेट क्या हो गया, बेंच कैसे फुल हो गया? जो ज्यादा पैसे देगा वो हमारे ट्यूशन में ज्वाइन हो सकता है। अब तुम बताओ तुमने कितने पैसे दिए थे? अरे यार जितनी रजिस्ट्रेशन में फीस थी उतनी मैंने दे दी थी। वैसे तुम वैसे भी बहुत लेट आए हो, जल्दी से उठक बैठक करो। अरे यार ये क्या, उठक बैठक करना पड़ेगा? और क्या, तुम्हें तो पनिशमेंट करनी पड़ेगी ना पूरी। चलो जल्दी से उठक बैठक करो। उठक बैठक करना जरूरी है। बाकी लोगों के लिए मैं नाश्ता लेकर आ चुकी हूँ, मतलब कि लंच। अभी तुम लोगों को लंच मिलेगा फ्री में। ओए सही कहा, ग्रैनी टीचर मुझे ज्यादा चाहिए। सबको मिलेगा जी भर के, जितना भी खाओ। और अभी तुम अपनी पनिशमेंट पूरी कराओ। अरे यार मैं अपनी पनिशमेंट पूरी कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा लेट क्या हो गया? ए मुझे भी खाने को मिलेगा मस्त। क्या करे नन, बताओ जल्दी से। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, वैसे भी ये गरीब है, इसके पास ज्यादा रजिस्ट्रेशन के फीस दी इसने निकाली और अलग से कमीशन नहीं दिया है, तो इसको भगा देते हैं। वैसे भी इसकी जगह तो एनेबल्ड डबल पैसे दिए है। बिल्कुल सही कहा, वैसे होगी, मेरी बात सुनो। अरे हाँ। अरे उठो उठो जल्दी उठो। अरे हाँ उठ गए ना, अब तो फूटो यहाँ से, फूटो फूटो जल्दी फूटो। अरे ये क्या, आप मेरे से पनिशमेंट करवा ली, मेरी रजिस्ट्रेशन फीस भी ले ली, और ये क्या मुझे भगा क्यों रही हो? ये तुम्हारी गलती, तुम लेट क्यों आए? अब तुम यार यहाँ कोई जगह नहीं, जाओ यहाँ से।
अरे यार मेरे साथ ऐसा कर ऐसे कर सकती हो तुम? मेरी रजिस्ट्रेशन फीस भी ले ली और मुझे बैठने भी नहीं दे रही। नहीं छोड़ूंगा, ये दोनों के दोनों लालची है। ए दोस्तों, एनेबल ने 14 फीस दे दी तो उसको यार इन्होंने ले लिया और मुझे निकाल दिया। मेरी फीस भी गई और मुझे बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा है। ये क्या हो गया मेरे साथ में? अरे यार मुझे बिल्कुल भी सेट नहीं मिले। अभी मुझे बहुत ज्यादा रोना आ रहा, क्या करूं मैं? ओए मुन्ना, रोना दोना वहां कर ले, निकाल यहां से, डिस्टर्ब कर रहा है। आओ सही कर जैक। अरे यार ये क्या, ये तो मैं क्या बताऊँ खाने के लालच में। ए दोस्ती तोड़ ली। ओए जा यहाँ से। अरे यार गाइस, अब तो मैं इस ग्रैनी की बच्ची से बदला लेकर रहूंगा। ए ग्रैनी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जा यहाँ से फुटले। पहले बैग भर के पैसा लेके आ। अरे यार ये तो एक नंबर की लालची निकली। ए दोस्तों, इसने ज्यादातर अपने स्टूडेंट यहाँ मतलब लालच दे के बुलाया ताकि यार ये खाना खिला रही फ्री में, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ट्यूशन इसके मतलब पढ़ने आ रहे हैं। ए वैसे ये पढ़ाते उड़ाते कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन गाइस ये लालच में अपने स्टूडेंट को अट्रैक करी है। एक काम करता, मुझे फटाफट से गाइस एवेंजर्स से मिलना पड़ेगा। अब मेरी मदद तो एवेंजर्स ही कर सकते हैं। एवेंजर्स के अलावा कोई और मेरी मदद नहीं कर सकता। ऐसा करता हूँ, टोनी स्टार से हेल्प लेने चलते हैं। गाइस टोनी स्टार के पास कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा। ए मुझे कैसे भी करके इस ग्रैनी बच्ची से बदला लेना है। इसने आखिरकार मेरी रजिस्ट्रेशन फीस भी ले ली और मेरी बेइज्जती भी करी और साथ में पनिशमेंट भी दे दी। दोस्तों नहीं छोड़ूंगा, इसे नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार इसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? ए भैया और सिंचन भी उसके क्लास से नहीं है मेरे साथ, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा। ए मैं कैसे भी करके मुन्नन और ग्रैनी की तो वट लगा दूंगा, इसके ट्यूशन को बंद करवा दूंगा। ए दोस्तों फटाफट से मैं मेंशन पे पहुंचना है और आयरन मैन से पूछना है कि उसके पास कोई सॉल्यूशन है क्या। ये हुई ना बात। अरे गाइस यार यहाँ पे फुल स्पीड में मैं पहुंच चुका हूँ मेंशन पे। एक तो गाड़ी भी नहीं मिली, इस साइकिल से मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, लेकिन गाइस मैं बदला लेकर ही रहूंगा। ये मारे ड्रिफ्ट फटाफट से। दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ ग्रैनी का बदला लेने के लिए। खुल जा सिम सिम। ये हुई ना बात। ओके गाइस फटाफट से हम पहुंचते मेंशन में, हम एंटर हो चुके। अरे यार आई होप यार आज एवेंजर्स घर पे हो। कहीं एवेंजर्स भी घर पे नहीं हुए तो फिर तो और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। हे दोस्तों अब देखते हैं, यहाँ पे फाइनली मैं पहुंच चुका मेंशन में। ए एवेंजर्स किधर हो? मुझे लगता है सारे के सारे एवेंजर्स ज्यादातर नीचे रहते हैं, डायरेक्ट नीचे ही चलता हो। ये मेरी साइकिल है तो साइकिल को तो मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ। ये हुई ना बा। अरे यार बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, फाइनली मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया और मैंने ऐसे ब्लॉक्स बनाई दिए जिसमें पावर्स होती है। अरे यार क्या बात कर रहे हो आयरन मैन, और बताओ आगे क्या बात है? तुम सही टाइम पे आओ, मेरे कुछ ब्लॉक्स काम नहीं कर रहे, लेकिन इनमें से कोई एक ब्लॉक है जिसके अंदर असली पावर है मेरी। अरे यार कैसा ब्लॉक है ये? ये है आयरन मैन ब्लॉक्स और इसके अंदर सुपर पावर्स है, लेकिन बाद बाकी ब्लॉक्स पे भी काम करना है मुझे। अरे यार ये ब्लॉक्स है कि बॉक्स है? हाँ वही बॉक्स है, मतलब कि ये है आयरन मैन मैजिक बॉक्स। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, ये बॉक्स मुझे दोगे क्या? अरे यार क्या बात कर रहे हो, वैसे तुम क्या करोगे इसका आगे? अरे यार मैं इन बॉक्स को अपने स्टूडेंट को रिवॉर्ड के तौर पे दूंगा। अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसे तो मेरा एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। वैसे बात तो तुमने सही की है, और ट्रायल भी मिल जाएगा कि बॉक्स ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे हाँ हाँ, मुझे एक अपना ट्यूशन खोलना है और इसमें ये बॉक्स मैं अपने स्टूडेंट को दूंगा जो कि फर्स्ट वगैरह आएंगे, और जिससे यार इन बॉक्स के बारे में जान के बहुत सारे स्टूडेंट यार मेरे पास आ जाएंगे और मेरे ट्यूशन में ज्वाइन हो जाएंगे। अरे वाह बहुत ही बढ़िया प्लान है, वैसे ये ट्यूशन का क्या लफड़ा है? अरे यार ये लफड़ा मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम ले जा तो सकते हो बॉक्स, लेकिन ध्यान रखना इसमें से दो बॉक्स खराब है। अरे यार खराब है सही, वो चलेगा एक तो सही है। अरे हाँ एक में तो सुपर पावर है, लेकिन दो बॉक्स कुछ खराब है। अब मुझे नहीं पता इनमें से कौन से बॉक्स सही और कौन से खराब है, जिसका भी लक अच्छा और खराब होगा वो चूज कर सकता है भाई।
अच्छा ठीक है, मतलब कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि इसमें से कोई भी बॉक्स एक बढ़िया जिसके अंदर पावर से, और दो ऐसे कि जिनके अंदर कुछ भी हो सकता है। यही कहना चाहते हो ना? आ यही मैं कह रहा हूँ। चलो ठीक है, बताना मुझे कॉल करके कि ये बॉक्स ढंग से काम करेगी नहीं करे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे साइकिल पे इन बॉक्स को रख लिया है। ओके बाय आयरन मैन, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ, ठीक है ना? ओके बाय बाय ओगे, फिर मिलते हैं। ओके गाइस यार, फाइनली यहाँ पर काम तो बन गया और आयरन मैन ने मुझे अपने सुपर आयरन ब्लॉक्स दे दिए, जिनसे यार मैं यहाँ पे नए स्टूडेंट अट्रैक्ट कर सकता हूँ। ओके गाइस, मैं बता देता हूँ कि मैं अपना खुद का एक न्यू ट्यूशन खोलने जा रहा हूँ और उस ग्रैनी का धंधा चौपट कर दूंगा। बहुत ज्यादा वो पैसे कमा रही है ट्यूशन खोल के, उसको पढ़ाना वढ़ाना तो कुछ आता नहीं है, बस वो खाने का लालच देके स्टूडेंट अपने पास बना रखे हैं। मैं भी इस महेश सुपर ब्लॉक्स का लालच दूंगा ताकि मेरे पास भी बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट आ सके। ओके गाइस, मैं यहाँ पे ट्यूशन में करने वाला हूँ कॉम्पिटिशन, जिसमें होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आएगा उसको मिलेगा ये सुपर ब्लॉक्स। ओके गाइस, मैं सोच रहा हूँ कॉम्पिटिशन का रूल ऐसे रखेंगे कि जो भी फर्स्ट आएगा उसको इन तीनों ब्लॉक में से चूज करने का मिलेगा कि वो तीनों में से कोई भी ब्लॉक्स ले सकता है, और सेकंड जो आएगा उसमें से उसको दो मिल सकता है, दो में से चूज कर सकता है, थर्ड वाले के पास तो कोई चॉइस ही नहीं रहेगी। हाँ। दोस्तों जो भी हो, इस कंपटीशन के बारे में सुनते ही मेरे ट्यूशन के अंदर तो भीड़ लगने वाली है और सारे के सारे, ये क्या, अरे यार ये बॉक्स ये कदा कहीं का ओवरटेक कर रहा था क्रिमिनल कहीं का। ओके गाइस, मैंने स्पीड भी काफी तेज कर रखी थी, फटाफट से मुझे पहुंचना है। और सबसे पहले गाइस मुझे एडवर्टाइज करना पड़ेगा ताकि सारे बच्चों को तो पता चल सके मेरे पास एक सुपर आयरन मैन ब्लॉक्स यार जिसके अंदर पावर्स है। ओके गाइस, अगर ये चीज यार मैं सारे स्टूडेंट को बता सकूं जो कि ग्रैनी के पास है, वो लोग पक्का मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि गाइस इसके अंदर सुपर पावर्स है और किससे नहीं सुपर पावर्स है ये। ए दोस्तों, हर कोई सुपर पावरफुल बनना चाहता है। अरे यार ये क्या गड़बड़ हो रही है, बार बार यार मेरी साइकिल अल्ट्रा स्पीड के साथ में पलट जा रही है। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे आयरन मैन से बोल के एक बूस्टर भी लगवा दिया साइकिल में, जिससे थोड़ा सा यार यहाँ पे डिसबैलेंस तो हो जा रहा है, लेकिन फिर भी काम तो बन ही जा रहा है। ए दोस्तों, फटाफट से मैं आगे बढ़ता हूँ, ये छोड़ूंगा नहीं किसी को। ए फाले यहाँ से चलते। ओके ये हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। ओके गाइस, मेरी यहाँ पे स्पीड देख सकते हो 175 की, यार वाकई में ये स्पीड तो बाइक से भी ज्यादा थी साइकिल की स्पीड। लेकिन गाइस साइकिल को कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा पाय साइकिल इधर उधर भाग रही है, लेकिन गाइस हमने फिर भी इसको हैंडल कर लिया है। बाप रे बच्चा, अभी तो ये मेरे में पक्का भेड़ दिया होता। अच्छा यहाँ से निकलता हूँ। ओके ओके, यहाँ से निकल के ओके गाइस फाइनली, सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि ग्रैनी के स्कूल के सामने इसको एडवर्टाइज करता हूँ, मतलब वहाँ पे उन स्टूडेंट को बताता हूँ जिनको यार ग्रैनी खाना खिला के बेवकूफ बना रही है। वो लोग तो पक्का सुपर पावर्स का नाम सुनते मेरे ट्यूशन में आ जाएंगे और ग्रैनी का ट्यूशन छोड़ देंगे। इस तरीके से गाइस मैं ग्रैनी से बदला ले सकता हूँ। ये फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ ट्यूशन जहाँ पे लगा हुआ है ना। हे दोस्तों, फाइनली मैं आ गया आ गया। वैसे गाइस ग्रैनी इतने सारे पैसे कलेक्ट करके सुपर कार लेना चाहती है। अरे आगे तुम फिर आ गए क्या? अरे हाँ मैं फिर आ गया नन, ये देखो। ओके गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक सुपर ब्लॉक जिसे आयरन मैन ने बनाया, इसके अंदर बहुत सारी पावर है, अगर जो भी मेरे ट्यूशन में ज्वाइन करेगा और फर्स्ट आएगा उसको इसमें से एक ब्लॉक्स मिल सकता है जो कि सुपर पावर है। जिसको भी चाहिए फटाफट से मेरे ट्यूशन में ज्वाइन हो जाओ। ये क्या कर रहा है तू यहाँ पे पागल कह के? तुझे मैंने भगा दिया था फिर भी तू आ गया। मैं जा रहा हूँ हमारा धंधा चौपट करने, तू आ गया, तेरे इस सड़े हुए ब्लॉक्स में कोई भी नहीं आएगा। अरे तो छोड़ना यहाँ पे। अच्छा तू मेरे ट्यूशन में आके मेरे ट्यूशन पर बात करेगा, ये ले अभी कैसा लगा भाग यहाँ से। ए ग्रैनी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, आखिरी बार तुमने मुझे मारा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आखिरी बार नहीं, अभी दोबारा मारूंगी, देख लिए तुझे, भाग यहाँ से ले।
ए करीब, अब तो बहुत हो गया, मेरा खून खोल रहा, अभी तू कई काम से मेरा तू क्या कर लेगा, मेरे पास तो डंडा है। तो मैं भी साइकिल में डंडा लेकर आया, वो भी बेसबॉल वाला बैट लेकर आया, अभी ये फटका पड़ेगा, ये ले। कैसा लगा? ओके गाइस, इस दोनों की तो वाट मैंने लगा दी और यहाँ पे मैंने इनकी तो सही पिटाई कर दी। ओके, जिन्हें भी मेरे ट्यूशन में आना है फटाफट से, और जो भी फर्स्ट आएगा उसको मिलेगा ब्लॉक्स और रजिस्ट्रेशन फीस फटाफट से दे देना। ए, इसमें सुपर पावर जिसे मतलब कि हल को भी तुम हरा सकते हो। हाँ ओके गाइस, मुझे लगता है अब ये लोग पावर्स के नाम से मेरे ट्यूशन में पक्का ज्वाइन हो जाएंगे। और मैंने डंडा दे के ग्रैनी और नन को भी सही कर दिया है, अब मेरे से पंगा नहीं लेंगे। ये होगे ने तो बहुत ही बढ़िया बात कर दी है, अगर मैं हल्क से भी ज्यादा पावरफुल हो गया तो मैं हल्क से बदला ले सकूंगा। वैसे भी खाना खा के तो मोटा ही हो रहा हूँ, यहाँ पे तो खाना ही फ्री में मिल रहा है, वहाँ पे तो अगर मैं फर्स्ट आ गया तो मुझे एवेंजर से बदला लेने का मौका भी मिल जाएगा और वहाँ पे इतनी सारी पावर्स भी मिल जाएगी। अब तो मैं जा रहा हूँ पावर्स के लिए, वो पावर्स किसी और को नहीं मुझे ही मिलेगी। मैं बनूंगा सुपर हल्क और सबको बर्बाद कर दूंगा लॉस सैंटोस में। आर्यर, मैं क्या बोल रहा हूँ चेक भैया? ओए क्या हो गया आर्यर, हमें भी चलना चाहिए होगी भैया के ट्यूशन में, हमें भी सुपर पावर मिलेगी, अब अभी जा रहा हूँ। ये क्या हुआ, आखिरकार सारे स्टूडेंट कहाँ भाग गए? ये होगी के बच्चे ने मेरे सारे स्टूडेंट छीन लिए, मेरा सारा प्रॉफिट चले गया। उस होगी के बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगी, उसने मेरा सारा प्रॉफिट ले लिया और मेरे सारे स्टूडेंट भी चले गए। ननू जल्दी, ये तो खर्राटे लगा के स्टोरी, उठ नान जल्दी उठ, ये क्या कर रही हो, उठ जल्दी। हे दोस्तों, फाइनली यहाँ पे मैंने अपने ट्यूशन सही तरीके से लगा दिया और मैंने चेयर बेंच भी लगा दिया, साथ में यहाँ पे अपन ने आयरन मैन के सुपर ब्लॉक्स को भी यहाँ पे रख दिया है। ओके गाइस, यहाँ पे सुपर ब्लॉक्स आ गए और बेंचेस वगैरह लग गए, बस हमें अब स्टूडेंट का वेट करना है। देखते गाइस हमारे ट्यूशन में कितने स्टूडेंट आने वाले और कौन आने वाला है। ओके गाइस, ट्यूशन का टाइम तो होने ही वाला है यार, देखते कौन कौन आएगा अपने ट्यूशन के अंदर। ए दोस्तों, यहाँ पे ट्यूशन का हो चुका है चालू टाइम वैसे आने का, देखते कौन आएगा। चलो वेट कर लेते हैं। हल्क को तो और भी ज्यादा पावरफुल बनना है, मैं उस ग्रीन हल्क को हरा दूंगा, अगर मैं होगी के ट्यूशन में फर्स्ट आता हूँ तो वो ब्लॉक्स मुझे मिल जाएगा जिसमें आयरन मैन ने सुपर पावर्स डाल रखी है, और उसके बाद तो मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा और लॉस सैंटोस पे सिर्फ मेरा ही कब्जा होगा। हाँ, ये आइडिया काफी बढ़िया है, बस मुझे फर्स्ट ही तो आना है, मैं बहुत आराम से पेपर क्रैक कर दूंगा। हट जा, पेड़ छोड़ूंगा नहीं किसी को। अभी मैं सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हट जा, मजे आ गया, वैसे मैं आ गया हूँ क्या ट्यूशन में? ओगी सर, गुड मॉर्निंग सर। हे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ए हल्क, घर मत तोड़ देना मेरा, आराम से। हाँ सर, टेंशन मत लो, वैसे जाना किधर है? अरे यार, इधर है रास्ता, इधर से आओ, गेट से दीवार से कूद के नहीं जाते, गंदे बच्चे। ओ, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं हल्कू हल्क सर, वैसे ठीक है ना? अरे हाँ ठीक है, जल्दी जाओ अंदर बैठ जाओ, बेंच पे अपनी सीट ले लो। अच्छा ठीक है ना, वैसे बॉक्स याद है ना सर? अरे हाँ हाँ, बॉक्स मुझे पता है। ट्यूशन में मेरे आगे तो कोई जीत ही नहीं पाएगा, ट्यूशन में मैं सबसे ऊपर टॉप नंबर पे पास करूंगा एग्जाम को, और मैं मुझे मिलेगा यहाँ पे बॉक्स। अबे ये चपड़ गंजू, तू कौन है, भाग यहाँ से। ये बॉक्स तो मैं ही जीतूंगा और मेरे आगे कोई भी टिक नहीं सकता है। ये बॉक्स सिर्फ मेरे होंगे, मेरे। चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ताकि मैं सबकी शीट से चीटिंग कर सकूं। मजा ही आ जाएगा। आओ ढाकचुकी, मुझे लिफ्ट दे दो। अरे बाबा ये क्या ढाकचुकी कर दे लिफ्ट की जगह। चलो कोई नहीं, लिफ्ट दे दे, लेकिन बम भी तोड़ दिया मेरा, अब क्या करूं, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा। आओ ढकचकी, या मैं आगे हो गए, आगे वो सुपर पावर का बॉक्स मुझे चाहिए, मुझे किसी भी हाल में सुपरमैन बनना है। अरे नहीं, मुझे सुपर बॉब बनना है। आओ मैं आ गया। अरे यार वाह भैया आ गए, चली जाओ ट्यूशन के अंदर। आओ ये ट्रक किसका है, ये तो रेड हल्का लग रहा है, या रेड हल्क अंदर है क्या? अरे हाँ, रेड हल्क सबसे पहले है।
आओ क्या बात करे, वैसे बॉक्स वाली बात पक्की है ना ढाकन की, नकली निकली तो तेरी होगी, मैं वाट लगा दूंगा। अरे ये क्या, मैं आओ चलो चलते अंदर, आज तो मैं फर्स्ट आऊंगा और देख लेना सबसे ज्यादा नंबर मेरे आएंगे फिर भी ये बॉक्स मेरे हो जाएंगे, आओ मजा जाएगा। ओए मैं रेड हल्क और मैं टॉप वन पे आऊंगा। अरे बाप रे मुझे तो बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है और साथ में पीने का भी मन कर रहा है, लेकिन ग्रैनी की तो मैं वाट सही में लगा दूंगा, उसने मुझे टॉयलेट साफ करने का काम दे दिया था, उसके पास बहुत पैसे आ गए तो बहुत ज्यादा ही घमंडी हो गई। अरे बाप रे, अरे ये क्या, तोड़ दिया मेरा कमर तोड़ दिया, मुझे बहुत ही ज्यादा नशा हो गया। अरे कहाँ योगी का ट्यूशन आता क्यों नहीं, अरे रे 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 देख जा किधर है किधर है, अरे किधर है योगी का ट्यूशन, अरे रे 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 बाप रे, लगता है एक और पौवा पी लेना चाहिए था, पौवा लगता है कम पड़ गया, पौवे की ताकत कम हो रही है, लगता है यही है क्या ट्यूशन। अरे फाइनली पहुंचने वाला हूँ रे बाबा, अरे पीछे से हॉर्न मत दे रहे, वैसे ज्यादा दिमाग में दर्द हो रहा है। ये फाइनली आ गया, खोलो ऑफिसर दरवाजा खोलो, अरे खोल दे क्यों नहीं, अरे मैं आ गया ऑफिसर, अरे अरे खोल दो दरवाजा, अरे लगता है दरवाजा ऐसा नहीं खुलेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा मुझे, एक काम करता दरवाजा। ए ग्रैंडपा वाह क्या कर रहे हो, अरे राव सर आ रहा हूँ, दरवाजा खोल दिया क्या, अरे बाप रे बाप, ये क्या, अरे यार वो ग्रैंडपा दरवाजा नहीं वो दीवार है, ए पियकड़ ग्रैंडपा इधर आओ, अरे सर किधर हो, अरे सर घर के इधर बाहर क्या कर रहे हो, अरे अरे घर के बाहर क्या, अभी अपने घर के बाहर ही तो खड़ा हूँ, अरे सर किधर हो, अरे अरे आ उल्टी आ, 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 अरे ये क्या कर रहा है ग्रैंडपा, उल्टी करना बंद कर दे, ए यहाँ पे ट्यूशन में एडमिशन लिया गया, अरे आज सर मैंने सुना कि आप सुपर पावर दे रहे हो, तो मैं भी आ गया ग्रैनी से बदला लेने के लिए, वो अपने आप को क्या समझती है, अब मैं भी ट्यूशन में पढ़ूंगा और उससे ज्यादा चलाक हो जाऊंगा और नंबर वन आके सुपर ब्लॉक्स की पावर ले लूंगा। हाँ ए ठीक है ठीक है, वैसे तुमने पूरा उल्टी करके गमला खराब कर दिया मेरा, कौन साफ करेगा उसे, अरे सर मैं जाते वक्त साफ कर दूंगा आपका गमला, टेंशन मत लो। ओके सर अब मैं जाऊं के अंदर, वैसे एक पौवा मिलेगा क्या, अरे यहाँ पे पौवा नहीं यहाँ पे डंडा मिलेगा, अरे ठीक है डंडा मत देना डंडा मत देना, अरे अरे बाप रे बाप, यहाँ पे तो बहुत ही तेज धूप लग रही मुझे, फाइनली पहुंच गया मैं, अले अले किधर 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 किधर, अरे बेंच किधर है, अरे किधर जाना है, आओ ये क्या ग्रैंड बाप ही क्या आया क्या पागल बुड्ढे, अरे किसने बोला बुड्ढा मुझे, अरे ये क्या ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया, अरे ये कहाँ गिर गया मैं, आओ ये क्या ग्रैंड बाप तेरा दिमाग कहाँ है, लगता है घुटने से भी निकल के जमीन में घुस गया क्या, अरे अरे कौन बोल रहा है ये बेंच बोल रहा है क्या। आखिरकार मैं हरा के रहूंगा इस एवेंजर्स को, इन एवेंजर्स की तो मैं वाट लगा दूंगा चाहे जो हो जाए, मैं भी होगी के ट्यूशन में नंबर वन बनूंगा और डेविल होगी का पूरी जगत नाम होने वाला है, ब्लैक होगी सबसे फर्स्ट आएगा और मैं बन जाऊंगा इस लॉस सेंटोस का सबसे ताकतवर होगी। अरे यार ये क्या ब्लैक होगी, हाँ ये तुम क्या कर रहे हो, अरे मैंने भी एडमिशन ले लिया है, मैं भी तुम्हारे एडमिशन में मतलब ट्यूशन में पढ़ूंगा और नंबर वन आके सुपर ब्लॉक्स ले लूंगा। हाँ। अरे हाँ ठीक है वैसे अपना मुंह तो धो लो, तुम्हारी आंखें कैसी हो रही है, क्या बोला तुमने, मेरी आंखें हमेशा ऐसे ही रहती है, मेरी आंखों के बारे में बोलना भी बात, देखो तो कितने नमूने आ चुके हैं यहाँ पे, ए जितने भी नमूने आएंगे उनमें सबसे टॉप करूंगा मैं। अरे बाप रे ये क्या कर गया, कोई नहीं एंटी खराब हो गई, लेकिन एग्जिट में ये ब्लॉक्स तो मेरे होंगे, इन ब्लॉक्स को तो मैं लेकर जाऊंगा और पावरफुल बन जाऊंगा। आओ ये क्या, आगे सर आओ, ओए बाप रे बाप चेंजन तो कंधे पे चढ़ा है ना, अरे यार जल्दी करो कितना टाइम लगाते हो जैक भैया, अरे मेरे पैर में चोट लग गई है, ओए मुझे पता तू बहाने बना रहा है, कंधे पे बैठ गया ना,
चलो फाइनली पहुंच तो चुके हैं घर पे और यहीं पे ऑगी ने ट्यूशन खोल दिया। ए मुझे सर बोलने का, समझ गए ना? अरे हाँ ठीक है ऑगी सर, ट्यूशन में एडमिशन मिलेगा। ए मिलेगा, जाओ अंदर बैठ जाओ, सेट डाउन। आर्यर एडमिशन तो बहुत ही आसान था, चलो जल्दी चलते हैं। जल्दी से, मुझे तो आगे वाला बेंच चाहिए बैठने के लिए। ओए मुझे भी आगे वाला चाहिए। नहीं नहीं मैं पीछे ही ठीक हूँ। वैसे सेंचन तू आगे बैठ जा। आओ ये क्या, ये सेंचन को क्या हो गया, ढकच के हो गए क्या? आर्यर कैसी बात कर रहे हो, मेरे पैर में थोड़ी सी चोट लग गई इसलिए मैं इनके कंधे पे आ रहा था। पापा तो मुझे बेवकूफ समझते हैं और उनको लगता है कि मैं कभी भी खतरनाक वेनम नहीं बन सकता। लेकिन मैं पापा को प्रूफ कर दूंगा कि मैं सबसे ज्यादा खूंखार और खतरनाक हूँ। जब मुझे ऑगी के ट्यूशन के बारे में पता चला तो मैं तुरंत ही आ गया, और सुपर ब्लॉक्स के बारे में मुझे जैसे पता चला, अगर मैं फर्स्ट आ जाऊंगा तो वो सुपर ब्लॉक्स मेरे हो जाएंगे। उसके बाबत तो मैं अपने पापा वेनम को भी दिखा सकता हूँ कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं बहुत ही बड़ा हो गया हूँ। और मैं दुश्मनों की छुट्टी कर सकता हूँ। ए ये क्या, अरे छोटू वेनम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सर मैं भी आपके ट्यूशन में पढ़ना चाहता हूँ, मुझे भी दे दो बाबा। रे बाबा अच्छा ठीक है तुम भी जाओ। कैसे क्या हो रहा है ट्यूशन में, सारे के सारे बदमाश मेरे ट्यूशन में आते जा रहे हैं। अरे सर कोई बात नहीं सर, बदमाश भी तो पढ़ेंगे ना। हाँ, ये हुई ना बात, आखिरकार मैं भी ट्यूशन में आ गया। अब मैं इन लोगों को दिखाऊंगा कि सुपर ब्लॉक्स का हकदार सिर्फ मैं हूँ, और पापा को भी गिर गया। आओ ये क्या, अरे ये क्या, ये ब्लैक कहाँ से आ गया? अरे ये तो छोटू वेनम है। ढकचकी छोटू वेनम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे ये बेंच ठीक है? अबे भाई मुझे कुछ भी हो जाए मुझे जल्दी पहुंचना है, मैं नहीं चाहता कि मैं लेट हो जाऊं। अरे यार ये डोरेमोन ने मुझे उठाया नहीं लेकिन मैं लेट हो गया। अरे ऑगी सर मैंने आपके ट्यूशन के बारे में सुना है जिसमें सुपर पावर्स मिलती है, वो सुपर पावर्स मुझे मिलेगी क्या? अरे यार तुम फर्स्ट आओगे तो तुम्हें भी सुपर पावर्स मिल सकती है, और सेकंड थर्ड भी आ गए तो भी तुम्हें मिल सकती है। अरे क्या बात कर रहे हो, तो सेकंड थर्ड आने पे भी मुझे सुपर पावर मिल सकती है? ओके ठीक है फिर तो मैं जियान से पक्का बदला ले लूंगा, और मुझे डोरेमोन की भी बार बार मतलब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो मैं सुपर नोबिता बन जाऊंगा, और मेरे जितना तो यहाँ पे कोई होनहार भी नहीं है जो कि इस एग्जाम को क्रैक कर सके। ओके फाइनली मैं आ चुका हूँ ट्यूशन के अंदर। ये क्या, यहाँ पे तो सारे के सारे पागल आ गए हैं, इन पागलों को तो मैं तुरंत ही डिफीट कर दूंगा, और सबसे ज्यादा नंबर मेरे आएंगे। आगे की सीट तो कब्जे में चले गए, ऐसा करता हूँ बगल में बैठ जाता हूँ। चश्मेश भी आ गया, अरे चश्मेश हो जाएगी। अरे किसने बोला? ए दोस्तों फाइनली यहाँ पे काम बन चुका है और टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका है ट्यूशन का। ओके गाइस चलो यार यहाँ पे मुझे लगता है बैच अपना फुल हो गया है, और यहाँ पे गाइस अब हम लोग चलेंगे नीचे क्लास लेने। सबसे पहले गाइस यार यहाँ पे हम लोग क्लास लेंगे और उसके बाद हम लोग उसका फिर टेस्ट लेंगे, सबसे पहले लर्निंग करेंगे। ओके गाइस सारे के सारे स्टूडेंट प्रेजेंस है ना क्लास में? ओए सर जी ऐसा करो ना, अटेंडेंस ले लो। अच्छा ठीक है गाइस फाइनली यार ऐसा करता हूँ, मैं अटेंडेंस ही ले लेता हूँ, भैया ने सही कहा। अटेंडेंस ले लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ना कितने स्टूडेंट प्रेजेंट और कितने स्टूडेंट अब्सेंट है जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था। ओके गाइस एक काम करते हैं, यहाँ पे रजिस्टर निकाल के मैं इन लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर मुझे भी पता चल जाएगा। ए वैसे तुम लोग अटेंडेंस के लिए तैयार हो ना? अरे हल तो हमेशा ही रेडी होता है, क्या करना है वैसे? अरे यार चलो ठीक है, वैसे गाइस यहाँ पे स्टूडेंट तो सारे आ चुके हैं। वैसे यार आप लोगों को मेरे यहाँ पे ट्यूशन का रूल्स पता है कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा, जिसमें यार आप अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड आते तो आपको मिलेगा मौका इन ब्लॉक्स को खोलने का जिसके अंदर पावर्स भी हो सकती है। चलो मैं अटेंडेंस लेता हूँ, सबसे पहले सिंचन। अरे आया हूँ सर। ओके जैक आओ, ढकच के जैक अब्सेंट है। ओए प्रेजेंट हूं मैं, तू बाप नुबड़े चुप रहे। अच्छा ठीक है ग्रैंडपा। अरे पावा मिलेगा क्या बेटा? अरे यार ये ग्रैंडपा पागल है क्या? ओके ब्लैक ऑगी। अरे ब्लैक ऑगी भी आया प्रेजेंट। ओके बॉब, आओ बॉब भी प्रेजेंट। ओके नोबिता, हाँ मैं भी आया हूँ।
ओके रेड हल तो गाइस मुझे दूर से दिख रहा प्रेजेंट है। चलो गाइस अब अटेंडेंस हमने कंप्लीट कर लिए और कोई भी अपसेट नहीं है। वैसे मैं आप लोगों को कुछ सिखाऊंगा, उसके बाद में आप लोगों से टेस्ट लूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगा मैथ के कुछ प्लस माइनस मैथ कैसे होता है। ओके गाइस एक को एक में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा। अरे यार वो तो जोड़ो हो जाएगा जोड़ो। अरे यार ये नहीं नहीं जोड़ो नहीं। अगर तुम्हारी उंगली में, चलो यार उंगली वाला बहुत हो गया। अगर तुम्हारी दो आंखें हैं एक एक अगर दोनों को मिला दो तो कितनी आंखें होंगी। अरे सर ये तो दो हो जाएंगी, वैसे दो ही तो हैं, दो ही तो होंगी। अच्छा ठीक है यार गाइस ये लोग तो बिल्कुल ही पागल है। एक काम करते वन प्लस वन कितना होगा जल्दी बताओ जल्दी। अरे यार वन प्लस वन तो थ्री होगा। अरे यार ये कैसे हो सकता है वन प्लस वन थ्री ये बताओ। अरे एक तो वन हो गया और एक प्लस वन हो गया और एक वन हो गया मिला के तीन हो गए ना। अरे यार ये क्या वन प्लस वन थ्री नहीं होगा वन प्लस वन टू होगा। याद रखना ए यहाँ पे एडिशन ऐसी होता है अपने उंगली में काउंट कर लो। ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन किसकी फिंगर है टेन। अरे बाबरे मेरी तो टेन फिंगर नहीं मेरी तो सिर्फ इलेवन फिंगर है। अरे यार इलेवन फिंगर है तो इलेवन काउंट कर लो ना। ए चलो गाइस यार अबे ओके नोबिता तुम बताओ तुम्हें एडिशन आता है टू प्लस थ्री कितना होगा। अरे मुझे तो सर आता है टू प्लस थ्री फाइव होगा। अरे यार क्या बात है नोबिता तुम्हें तो काफी आता है। ओके गाइस बात बाकी इन सबको मैथ नहीं आता मैं बता देता हूँ वन प्लस वन टू होगा और वन प्लस टू थ्री होगा और वन प्लस थ्री फोर होगा और वन प्लस फोर फाइव होगा। अब तुम लोगों को समझ आ गया ना प्लस कैसे होता है। एक में एक को जोड़ के दो होता है और दो में दो को जोड़ दो तो चार होता है। ओके सब समझ गए ना। अरे यार हम लोग समझ गए हैं जल्दी से टेस्ट हो। अरे यार ये लोग तो टेस्ट के पीछे पड़े इनको तो सुपर ब्लॉक्स में इंटरेस्ट है लेकिन मैं तुम लोगों को पूरा सिखाऊंगा। वैसे अब मैं अब तुम लोगों को बताता हूँ कि माइनस कैसे करते हैं। वैसे एडिशन समझ आ गया ना। अरे यार मुझे समझ आ गया सब समझ आ गया है। ओके गाइस वो तो टेस्ट में पता चलेगा किसको कितना समझ आ रहा है। ओके जब हम किसी में से किसी चीज को हटा देते या घटा देते या माइनस कर देते उसका मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। मान लो कि यहाँ पे दो तीन बॉक्स है और इनमें से मैं एक बॉक्स हटा देता हूँ तो कितने बॉक्स बचेंगे। अरे यार तभी तो तीन बचेंगे क्योंकि वो बॉक्स तुम्हारे हाथ में रहेगा। अरे रे यार ये क्या। अरे यार सिंचन तुम तो चुप ही रहो तुम बार बार बोलते। आओ मैं समझ गया अगर एक बॉक्स को हटा देंगे तीन में से तो कुल मिला के दो बॉक्स बचेंगे। अरे यार क्या बात है बॉब भैया के अंदर दिमाग है क्या। छोटे से दिमाग ने अच्छा यूज किया। वैसे सब्ट्रैक्शन ऐसी होता है जिसमें से एक हटा दो एक माइनस कर दो। वैसे ये बताता हूँ मैं तीन में से एक माइनस कर दोगे तो दो बचेगा और दो में से एक माइनस कर दोगे तो एक बचेगा मतलब दो बॉक्स में से एक बॉक्स हटा दो तो एक बचाना। आओ मैं समझ गया डाकू चिक्की। अरे सर ये तो मुझे भी समझ आ रहा है कैसे करना है। ओके गाइस लगता है ट्यूशन में सबसे ज्यादा समझदार कोई और नहीं नोबिता ही है। ओके सब्स्ट्रैक्शन भी मैंने आप लोगों को बता दिया है वैसे और आप लोगों को पहले से भी कुछ आते ही होगा। तो यहाँ पे सब्स्ट्रैक्शन मैंने बता दिया। ओके गाइस मैं थोड़ी देर में ब्रेक लेके भी आता हूँ मेरा गला सूख रहा है। ए दोस्तों वाकई में यार ट्यूशन पढ़ाना बहुत ही ज्यादा टफ काम होता है गला सूख जाता है। यहाँ पे मैंने इन लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन बता दिया कि ये ताकि इजी वाले क्वेश्चन तो सॉल्व कर सके। हो गया इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं रखूंगा। अरे ये क्या ये तो कुछ ज्यादा समझदार है चश्मी। अगर ये पेपर में नंबर वन आ गया तो ये तो मुझे पीछे कर देगा और इसको सुपर पावर्स मिल जाएगी। एक काम करता हूँ इस चश्मी को बुलाता हूँ। हाँ एक काम करता हूँ चलो 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 मुझे कैसे भी करके इस चश्मीज को यहाँ से हटाना पड़ेगा नहीं तो ये तो नंबर वन पे आ जाएगा और सुपर ब्लॉक्स मुझे नहीं मिल पाएगा। ओके अब उस चश्मीज को बुलाता हूँ यहाँ पे। अबे चश्मीज ये पीली टी शर्ट अबे इधर पीछे देख अबे मैं तेरे को बुला रहा हूँ। अरे मुझे तेरे से कुछ पूछना है ये मुझे समझ नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन। अरे पीली टी शर्ट जल्दी आ जा। अरे यार मुझे कौन बुला रहा है अबे किधर से बुला रहा है अबे किधर है कौन है अरे किसने मुझे बुलाया। अरे पीले टी शर्ट इधर इधर देख नीचे। अरे नीचे की साइड देखना। अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे किधर मुझे बुलाया तुमने किधर हो अरे कौन है नीचे। अरे मैं रेड हल को मुझे क्वेश्चन पूछना था वैसे तुम्हें सोल्यूशन है क्या। अरे मेरे पास तो सारे के सारे सोल्यूशन होते रुको मैं भी आता हूँ। वैसे बताओ यार तुम्हारा क्या क्वेश्चन है जल्दी से बताओ मेरे पास टाइम नहीं है क्लास चालू होने वाली है वैसे। हाँ ठीक है मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हें एक मुक्का मारूँ तो तुम बेहोश हो जाओगे कि नहीं। अरे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे पागल हो गए क्या तुम सही में पागल हो क्या तुम दिखते भी पागल हो टमाटर की तरह। अरे सर इतना गुस्सा की हो रहा चश्मे वाले सर।
अभी मैं बनाता हूँ तुम्हें सर नंबर वन। तुम्हें क्या लगता है तुम नंबर वन आ जाओगे और तुम्हारे सुपर ब्लॉक्स होंगे ये लो सर। हाँ मुझे इसको तो मैंने एक लात में बेहोश कर दिया। हाँ वाकई में अभी तो मजा आया है। अभी काम करता इसको यहाँ से फेंक देता हूँ नीचे ताकि किसी को पता ही ना चले कि ये गया कहाँ पे। हाँ फाइनली ये तो बेचारा नीचे गया। हाँ इसको तो मैंने साइड हटा दिया है। आखिरकार मैंने तो इसको मार के गिरा दिया है। अब ये बेचारा पता नहीं कब आएगा। हाँ एक तो एक को मैंने साइड कर दिया है। बहुत ज्यादा पड़ंतु बन रहा था। अब तो मैं ही जीतूंगा और मुझे कोई नहीं हरा सकता है टॉप वन नंबर वन में। हाँ पेपर में तो मैं आऊंगा टॉप नंबर वन और फर्स्ट क्लास से मैं पास होऊंगा और मुझे मिलेगी सुपर बॉक्स की पावर। हाँ मजा ही आ गया। आओ ढक चुकी रेडल तू कहाँ गया था? अबे चुप रहे अपने काम से काम रख मैं गया था। हे दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम हो गया। आई थिंक मुझे लगता है ये लोगों ने काफी ज्यादा रिवाइज वगैरह कर लिएगा। अब मुझे लगता है अब इनकी तो क्लास लगानी पड़ेगी। चलो गाइस थोड़ा सा हमने रेस्ट करने के बाद दोबारा से आ चुके अपने क्लासरूम में। ओके गाइस यार आप लोग सही हो ना? ओए हमें क्या हो गया? हम तो बिल्कुल ठीक है। हाँ तो तुम लोग बिल्कुल ठीक हो ना? तो गाइस यार तुम्हें मैं अब क्या बोलूँ, मैंने मैथ सिखा दिया तुम्हें एड। और गाइस यार आपको फोटो देख के पहचानना तो और किसी को आता होगा। और तुम लोग बच्चे भी नहीं हो। लेकिन ये नोबिता कहाँ गया? अरे नोबिता के पेट में दस्त लग गया इसलिए वो चले गया। अरे यार क्या यार ये रेड हल्क बोला नोबिता को दस्त लग गया। ओके गाइस चलो नोबिता लगता है घर वापस चले गया। ओके गाइस इसी के साथ नोबिता यार कैसे चलेगा मुझे बताया नहीं। चलो यार एक काम करो तुम लोग अपने पेपर फटाफट से मुझे पकड़ा दो। ए सबने अपना पेपर कर लिया ना कंप्लीट जो कि मैंने कुछ देर पहले दिया था? रुको अभी ये पेपर तो अभी मिला है। अरे हाँ अभी मैंने तुम लोगों को पेपर दिया है मतलब कि तुमने पढ़ाई कर ली थी ना। गाइस मैंने इन लोगों को क्वेश्चन पेपर दे दिए। अब ये फटाफट से तुम लोग यहाँ पे इन क्वेश्चन पेपर को पढ़ो और इसके आंसर्स भरो जल्दी से और मैथ के सॉल्यूशन भी दो। अरे सर 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 मेरी बात सुनिए मुझे इमरजेंसी लग गई है। मैं इमरजेंसी में भी सुसु करके आता हूँ फिर पकड़ता उस पेपर को। अरे यार रेड हल्क यार तुम्हें कितना सुसु लगता है थोड़ी देर वेट कर लो ना। अरे सर वेट कर गया तो यहाँ पर सुनामी आ जाएगी समझा करो थोड़ी बात मेरी अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है जल्दी आना पेपर के टाइम पे बाहर नहीं जाते। आखिरकार सर ने मुझे यहाँ पे भेज दिया। अब एक आइडिया है मैं सर को कैसे भी वहाँ से हटाता हूँ। चलो एक काम करता हूँ कॉल करता हूँ। ओगी सर मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ आपके पड़ोसी के घर में आग लग गई है कि जरा आप उन्हें बता सकते हो कि वो अपनी आग को बुझा लें। अरे यार तुम हो कौन? अरे सर मैं फायर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। अरे अभी तो तुमने बोला पुलिस वाले। अरे हाँ हाँ मतलब फायर डिपार्टमेंट वाला पुलिस वाला हूँ मैं। जल्दी करिए नहीं तो आग जल जाएगी। अरे यार एक क्लास यार तुम सुनो तुम लोग पेपर करो यार बगल वाले घर में आग लग गई है मैं जा रहा हूँ उस बंदे को बताने के लिए। अरे यार ये क्या पेपर के टाइम में गाइस ये लफड़ा होना था। चलो यार अब तो मदद करनी पड़ेगी इससे पहले पड़ोसी का घर जले फिर हमारा भी कहीं चल जाए। ये नुबड़ा शर्मा जी कर क्या रहा है? इसको कितनी बार बोला गैस चालू नहीं करके छोड़ने का लेकिन ये मानता नहीं है। चलो गाइस शर्मा जी को चले से मैं इन्फॉर्म कर। आखिरकार काम बन गया। अब मेरे पास है स्मोक बम जिसे मैं यूज करके इन सबको बेहोश कर दूंगा। हाँ, अब ये देखो मेरा कमाल इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा ये दिया मैंने। ओए ये कैसी बदबू आ रही है बाप रे बाप। आओ ये क्या मेरी आंखों में जलन मच रही मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा। अरे बाप रे मैं तो गया। हाँ आओ ढक चुके ये क्या हो रहा आखिरकार? आओ मैं भी गया। आखिरकार ये लो मैंने तो सबको यहाँ पे बेहोश कर दिया है। अब एक काम करता हूँ मैं सबके पेपर में से चीटिंग कर लेता हूँ और सबके पेपर में से जो सही आंसर होगा उसको भर लेता हूँ और जिससे मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। हाँ और मैं एग्जाम में टॉप भी कर लूंगा। हाँ फटाफट से सारे के सारे। हाँ ये वाला आंसर ठीक है इसका। हाँ ये वाला आंसर ठीक है। हाँ अब तो मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर पता चल गए हैं। हाँ
अब मेरे पास तो सबके आंसर भी आ गए। एक काम करता हूँ, अब इसको मैं फटाफट से अपनी क्वेश्चन शीट में आंसर लिख देता हूँ और खुद भी बेहोश होने का नाटक करता हूँ, नहीं तो ऑगी सर को मेरे पर शक हो जाएगा। हाँ ऐसा करता हूँ। हाँ ये पोजिशन ठीक है, अब तो ऑगी सर को भी शक नहीं होगा, उन्हें लगेगा मैं भी बेहोश हो गया साथ में सबके साथ में। हाँ अरे यार गाइस, ये किसी ने प्रैंक कॉल करी थी, मुझे लगता है ये पक्का ग्रैनी का काम है। शर्मा जी तो बिल्कुल ही मस्त चिल खाना बना रहे और उनके घर में कोई आग वगैरह नहीं लगी है। ये ग्रैनी की बच्ची को नहीं छोड़ूंगा, उसकी इतनी हिम्मत मेरे साथ प्रैंक कॉल किया। ओके गाइस, देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है, क्या इन लोगों ने पेपर कर लिया क्या? अबे ये क्या हो रहा है, ये सारी क्लासरूम के बंदे सो कैसे गए? स्टूडेंट्स उठो गए, ये क्या चल रहा है? अरे स्टूडेंट उठो, इतना भी टफ पेपर नहीं था कि तुम देते देते सो जाओ। अरे बेहोश हो गए क्या? फटाफट से तुम लोग उठते हो कि मैं डंडे लगाऊं तुम्हारे अंदर? ए फटाफट से उठो, जल्दी 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 जल्दी। अरे गाइस यार, ये लोग तो बेहोश पड़े हैं, मैं काम करता हूँ इनके ऊपर पानी डालता हूँ जिससे यार ये लोग उठ जाए। यार इतना क्वेश्चन टफ भी नहीं था कि ये देखकर बेहोश हो जाए। ए आखिरकार क्या हुआ था, तुम लोग बेहोश कैसे हो गए? अरे सर पता नहीं किसी ने कुछ फेंक दिया ऊपर से जिसके बाद हम लोग बेहोश हो गए। ओए मुन्ना सही कहा, किसी ने यहाँ पे स्मोक बम फेंक दिया था। अरे यार भैया लगता है ये पक्का ग्रैनी का काम था। ओके गाइस, सब ने अपने पेपर सबमिट करा दो फटाफट से मेरे पास और मैं सबकी शीट अब चेक करूंगा। ए ये किसकी शीट है? ओके गाइस यार यहाँ पे भैया, ये तुम्हारी शीट है? ओए हाँ ये मेरी शीट है। अरे यार भैया तुम्हारी सीट नहीं है। ये तो भैया ब्लैक ऑगे की सीट है। ओके गाइस ब्लैक ऑगे का 1+1, ये आंसर गलत। ये क्या, ये भैया ये तो तुम्हारी है। ओए मेरी तो है। अरे भैया तुम्हारा एक ही सही है, 4 में से 1 नंबर। ओके गाइस ये है सिंचन आर्यर की, भैया ये मेरी सीट है, चलो चेक करो सही आंसर है क्या। ओके गाइस सिंचन ने 1+1 2 सही करा, 5-2 रॉन्ग करा, एप्पल की स्पेलिंग ठीक है और ये कैट आइडेंटिफाई कर लिया। सिंचन के 4 में से 3 मार्क्स आते हैं और सिंचन ने खाली ये गलती करी। सब बात सिंचन, तुम्हारे नंबर काफी बढ़िया है। ओके गाइस ये क्या, अरे ये किसने बना दिया टट्टी हमें? ये किसका काम है, किसने अपनी क्वेश्चन शीट पे ये बना दिया? ए नहीं छोड़ूंगा, जो भी है नुबड़ा कहीं का फेल होता है। ओके गाइस यहाँ पर 1+1 0, 5-2 3। ओके एप्पल और ये सेट, ये किसकी सीट है यार? ओके गाइस ये वाली सीट ब्लैक होगी की और ब्लैक होगी के मार्क्स आते 4 में से 2। ओके गाइस सिंचन गए 4 में से 3 और ब्लैक होगी के आ चुके 4 में से 2। ओके गाइस अभी तक सबसे ज्यादा मार्क्स सिंचन गए और ये किसके मार्क्स है भाई? पेपर है ये तो रेड हल्का है। 1+1 2, 5-2 3, एप्पल की स्पेलिंग ठीक है और ये कैट। ओ भाई ये क्या, भाई क्या बात है, सब बास यहाँ पे रेड हल्क ने बाजी मार लियो, रेड हल्क का पूरा पेपर सही है। यहाँ पे 4 में से 4 मार्क्स मिलते हैं रेड हल्क को, क्या बात है रेड हल्क। ओके गाइस अब नेक्स्ट देखते। अरे ये क्या, ये तो ग्रैंडपा ने पौवा बना दिया यहाँ पे। गाइस यार पेपर के अंदर थारू बना दिया और इसी के साथ ग्रैंडपा भी यहाँ पे फेल होता है। ओके गाइस अब ये वाली किसकी सीट है, इस पे किसका नाम है? ओए मुन्ना ये है बाप नुबड़े की, आओ ढक चुके मैं पास हो गया क्या? अरे यार 1+1 2 होगा, 1 5-2 एप्पल की स्पेलिंग और CET कैट, ये क्या बना रखा है। ओके गाइस यहाँ पे यार मुझे लगता है सबसे ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं रेड हल्के और उसके बाद सबसे सेकंड नंबर पोजीशन पे है सिंचन और थर्ड वाली पोजीशन पे जिसका मैंने सबसे पहला पेपर चेक करा था जिसके 2 मार्क्स थे वो है ब्लैक ऑगी। तो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड चूज कर लिया और सबसे फर्स्ट वाला बंदा आएगा इन तीनों में से, उसके पास ऑप्शन है कि वो तीनों में से कोई भी एक आयरन मैन मैजिक ब्लॉक्स को चूज कर सकता है। तो फर्स्ट वाले के पास ये चॉइस रहेगी कि वो इन तीनों में से कोई भी चॉइस कर सकता है। तो फर्स्ट में जो भी था रेड हल्क, जल्दी से आओ। अरे सर मैं आ रहा हूँ, मुझे तो पता ही था कि मैं ही फर्स्ट आऊंगा। हाँ, आखिरकार मुझे फर्स्ट जो आना था, इतना ज्यादा पढ़ने का नतीजा है। ओए ये पढ़ता है कब है, ये तो गलियों में घूमता रहता है। आ सर क्या करना है, इसमें से कौन सा बॉक्स ले लूँ, तीनों ले लूँ क्या? अरे नहीं नहीं तीनों नहीं लेना, तीनों में से तुम एक सेलेक्ट करना, बस एक तुम ले सकते हो। अच्छा ठीक है, मैं सोची तीनों रख सकता हूँ, कोई नहीं। मुझे लगता है कि ये वाला बॉक्स सबसे बढ़िया रहेगा सर, ऐसा करता ये वाला बॉक्स मैं ले लेता हूँ। अच्छा ठीक है बॉक्स ले लो और साइड खड़े जाओ। अब मेरी बज्जी आखिरकार आ गई। अभी मैं देखता हूँ मेरी बज्जी में क्या मिलेगा।
अरे यार ब्लैक हो गई, तुम भी इनमें से चूज कर लो, दो में से एक तुम्हारा है। क्या बात कर रहे हो, दोनों में से एक है तो मैं काम करता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे ब्लैक हो भी इनमें चूज कर लिया, अब लास्ट वन सिंचन रह चुका है। सिंचन अब तुम आ जाओ जल्दी से। आर्यर होगी भैया, ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया, मेरे को थर्ड नंबर पे क्यों बुलाया, बल्कि मेरे मार्क्स तो ज्यादा अच्छे थे ब्लैक होगी से। अरे यार सिंचन, ये तो मैं भूल ही गया। ओके गाइस यार, यहाँ पे सिंचन को लास्ट वाला ब्लॉक्स मिला है, चलो देखते हैं सिंचन। आर्यर इसको क्या करना है ये तो बताओ मुझे, इसको तोड़ दूं क्या? अरे यार सिंचन, इसको तोड़ोगे तो इसके अंदर से कुछ भी निकल सकता है, और ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। आर्यर चलो ठीक है, मैं इसको लात मार के तोड़ देता हूँ। और ये क्या, अरे यार ये क्या, मेरे अंदर तो सही में पावर आ गई, मैं तो सुपर सिंचन बन गया। अरे यार गाइस ये क्या हुआ, सिंचन तो वाकई में सुपर सिंचन बन चुका है। अरे यार होगी भैया, ये देखो मैं तो सुपर सिंचन बन चुका हूँ। अरे यार क्या बात है सिंचन, मजे करो। अरे यार अब तो मजा आ गया, लॉस सैंटोस का मैं बन चुका हूँ नया सुपर हीरो, अब मैं बचाऊंगा। अरे यार ये क्या, मुझे भी चेक करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी पावर मिली है। मेरी पावर देखते हैं कौन सी होगी। ये अरे बाप रे, ये क्या बक्से का क्या बक्सा बन गया, बक्से के अंदर बक्सा निकलता है। अरे ये ले, मजा आ गया सर, अब तुम्हारा काम होता है तो फटका खाओ मेरी तरफ से। ये हुई ना, अरे ये क्या निकल गया इसके अंदर से, ये क्या है, ये साइकिल नॉर्मल सी। मैं तो कुछ और निकाल रहा था, लेकिन ये साइकिल कहाँ से आ गई। अरे मुझे भी सुपर पावर चाहिए थी, लेकिन ये सुपर साइकिल मेरे किस काम की आने वाली है, इसी से अब घर जाना पड़ेगा। अरे यार इस साइकिल में कोई पावर है क्या। ये अरे बाप रे बाप, ये तो इसमें फिट गई। अरे ब्लैक हो गई, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, तूने मुझे कैसे फटका मारा। अरे यार फटका तो खाना ही पड़ेगा ना, मुझे सुपर पावर चाहिए थी, लेकिन ये क्या, ये कैसे साइकिल है समझ नहीं आ रहा मुझे। इसमें कोई पावर से क्या। ओके जरा इसको चला के देखता। ओ ओ भाई भाई, अरे बाप रे बाप, ये तो उड़ गई। अरे अबे रुक जा रुक जा, अबे रुक जा रुक जा, अबे ये तो आसमान में लेके चली गई मुझे। अरे बाप रे बाप, अबे क्या करूँ, ये क्या पावर्स तो छोड़ा, मेरी हड्डी पसली जरूर टूट गई। पावर्स तो मिली नहीं, लेकिन हड्डी पसली टूट गई। अरे क्या बात है, सिंचन को तो सुपर पावर मिल गई, लेकिन ब्लैक होगी को तो ठेंगा साइकिल मिली खटारा सी। मुझे तो सुपर पावर चाहिए जो भी हो जाए। अरे ये क्या, ये क्या बन गया मैं। अरे यार ये क्या रेड हल्क, तुम ये क्या बन गए, ये सुपर पावर नहीं, ये तो सुपर चूहा बन गए। अरे ये मैं क्या बन गया, अबे मुझे तो लॉस सैंटोस का सबसे पावरफुल सुपर हीरो बनना था, और ये मैं क्या बन गया, एक चूहा। अरे अरे बिल्ली मेरे को ना देख ले। अरे यार ये रेड हल्क, तुम ये क्या बन गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ए दोस्तों, रेड हल्क यहाँ पे और भी ज्यादा कमजोर हो के चूहा बन चुका है। अरे अरे ये क्या, नोबिता तुम कहाँ से आ गए। अला तुमने मुझे बहुत मारा, अब मैं तुमसे बतला लूंगा तुम बच के कहाँ जाओगे। अरे 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 नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो नोबिता, मुझे माफ कर दो नोबिता। अरे सॉरी सॉरी सॉरी।